इस वीडियो में हम लोग आपको अजंता वॉल क्लॉक कैमरा कैसे यूज़ होगा वो बताएंगे। इस वॉल क्लॉक के अंदर ही इनबिल्ट कैमरा लगा हुआ है और 90 डिग्री का एंगल है इसका। और आप सबसे इसमें जो बढ़िया बात है, जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है, वो ये है कि आप हाथ में पकड़ कर भी आप ये आइडिया नहीं लगा सकते, इस पर अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि यहाँ पर इसमें कैमरा लगा हुआ है। तो डिजिटल क्लॉक है, इसको आप 24 घंटे चला सकते हैं, कोई आपको इसमें बैटरी बैकअप की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल आपने इसको, जैसे हम लोग कोई डिजिटल घड़ी को कैमरे को लगाते हैं पावर में, वैसे ही हमने इसको पावर में लगाया हुआ है और पावर के साथ ये 24 आवर चल सकता है। इसको चलाने के दो तरीके हैं। एक तो इसमें इसका अपना फोर्स पोर्ट है डिवाइस का, जो घर के अंदर आप बिना इंटरनेट के भी यूज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो डिवाइस को, जो घर में कोई वाईफाई राउटर डोंगल कुछ लगा हुआ है, उससे कनेक्ट करके इसको कहीं से भी देख सकते हैं, कोई डिस्टेंस की लिमिट नहीं है। तो अभी हम लोग इसको ऑन कर रहे हैं। घड़ी जो है इसके अंदर अजंता की दी हुई है। कैमरा देखिए, घड़ी का ब्रांड अलग भी हो सकता है, जो मेन चीज़ समझने वाली है, इसके अंदर जो कैमरा यूज हो रखा है वो होम आई ब्रांड का है, जो ऐप है इसकी वो है होम आई। तो अब ये घड़ी स्टार्ट हो गई है, घड़ी की लुक कुछ इस तरीके की। और बैक में इसके जो बटन दिए हुए हैं, ये घड़ी को कंट्रोल करने के लिए, जो बटन ये हैं ये घड़ी से रिलेटेड है, जो आगे डिस्प्ले चल रही है। और इधर आप देखेंगे तो एक यहाँ पर एक छोटा सा हमने होल दिया हुआ है इसके साथ, ये रीसेट का है कैमरे का, ये घड़ी को रीसेट करने का है। और ये होल के अंदर जो बटन दिया हुआ है, ये कैमरे को रीसेट करने का है। अगर कई बार कोई सीरियल नंबर नहीं आ रहा, डिवाइस नहीं सही से चल पा रहा, तो आप कैमरे को रीसेट कर सकते हैं घड़ी को ऑन करके किसी पिन की हेल्प के साथ। इस रीसेट बटन को आप प्रेस करेंगे जो होल के अंदर है, 3 मिनट के लिए आपने प्रेस कर देना है, 3 से 4 मिनट के लिए, तो पूरा जो कैमरा है वो रीसेट हो जाएगा। तो अब ये कैमरा आपका, जैसे आपने घड़ी को ऑन कर दिया, कैमरा भी आपका ऑन हो चुका है। अब आपने फ़ोन की वाईफाई सेटिंग के अंदर जाना है। ऐप हमने पहले से डाल के रखी हुई है इसके अंदर, जो ऐप का नाम मैंने आपको बताया है, वो है होम आई। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये ऐप का नाम है होम आई। तो ये ऐप आपने डाउनलोड कर लेनी है। ऐप जब आप डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो कुछ सेटिंग्स के लिए अलाउ करने के लिए आपसे परमिशन मांगेगा, वो आपने अलाउ कर देनी है, ठीक है। तो अब हम लोग इस घड़ी को कन्फिगर करेंगे कैसे इसको चलाना है। तो सबसे पहले इसको आपने 1-2 मिनट के लिए ऑन कर देना है घड़ी को, उसके बाद आपने फ़ोन की वाईफाई सेटिंग में जाना है आपकी, और यहाँ पर ऑन करना है इसको आपने। अब यहाँ पर एक सीरियल नंबर आएगा, जो होम आई का सीरियल नंबर है वो AYS से स्टार्ट हो रहा है, देखिए AYS 1850। ये नंबर अलग हो सकता है पर स्टार्ट जो होता है वो AYS से स्टार्ट हो रहा है। ये होम आई का सीरियल नंबर जो जनरेट होता है वो इसी नंबर से जनरेट होता है। तो आपने जब इसको वाईफाई सेटिंग में हो, आपने ये भी ध्यान रखना है कि आपका मोबाइल डेटा उस टाइम ऑफ होना चाहिए। तो अब हम लोग इस सीरियल नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर सीरियल नंबर 4 से 5 मिनट तक नहीं आता तो आप घड़ी को, जो मैंने आपको कैमरा रीसेट करने का ऑप्शन बताया है, वो भी आप कर सकते हैं, रीसेट करने के बाद ही आ जाता है। तो अब हमने AYS के ऊपर क्लिक कर दिया, देखिए कनेक्टिंग हो रहा है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है कीप वाईफाई कनेक्शन, इसका मतलब है कि जो हमने सीरियल नंबर से कनेक्ट किया है, ये फ़ोन को हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं कि उसी से कनेक्टेड रहेगा। तो कीप वाईफाई पर क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पर लिखा गया कनेक्टेड विदाउट इंटरनेट। तो कनेक्टेड विदाउट इंटरनेट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये कैमरे के जो हॉटस्पॉट है उससे कनेक्टेड है, अभी इसके अंदर कोई वाईफाई इंटरनेट नहीं है, हॉटस्पॉट से कनेक्ट हुआ है। तो अब हम लोग सीधा चलेंगे अपना ऐप के अंदर, जो होम आई ऐप हमने डाउनलोड करके रखी हुई है पहले से। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, अगर आपका सीरियल नंबर से सही तरीके से कनेक्ट हो रखा है तो यहाँ पर देखिए कैमरा बनकर आ गया है, यहाँ पर ऑनलाइन लिखा गया है। और यहाँ पर जो ऑप्शन आ रही है कैंसिल और श्योर के लिए, आपने इसको कैंसिल पर क्लिक करना है फर्स्ट टाइम के लिए। इसका रीज़न है कि श्योर पर क्लिक करेंगे तो ये आपको ले जाएगा वाईफाई सेटिंग के अंदर, जहाँ पर आपको पूछेगा आपके घर में या ऑफिस में जो वाईफाई लगा हुआ है, अगर आपको उससे कनेक्ट करना है तो उस सेटिंग पर ले जाएगा। तो अभी हम लोग हॉटस्पॉट से चला के दिखा रहे हैं पहले आपको। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे इसको कैंसिल। कैंसिल करने के बाद इसको देखिए ऑनलाइन करेंगे तो ये आपका डिवाइस चल गया है। अब यहाँ पर सेटिंग क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली रिकॉर्ड की सेटिंग है, अगर आप चाहते हैं कि जो आप लाइव देख रहे हैं उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप रिकॉर्ड के बटन पर क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया। ऑफ करेंगे तो ये रिकॉर्डिंग सेव होकर आपके ऐप के अंदर ही सेव हो गई है। उसके आगे जो दिया है फोटो का, तो स्टिल फोटो क्लिक करने के लिए, यहाँ पर फुल विंडो करने के लिए, अगर आपको पूरी विंडो पर देखना है इस कैमरा को तो उसके लिए है। यहाँ पर इसको, ये इसका एंगल चेंज करने के लिए, अप एंड डाउन लेफ्ट राइट कैमरे का एंगल चेंज करने के लिए। और मोर सेटिंग के अंदर क्या है,
इसकी ब्राइटनेस और ये सब चीज़ें दी हुई हैं, जो ये बाय डिफॉल्ट सेट ही होती है, इनको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बेसिक इसकी सेटिंग है। इसके बाद हम लोग बैक चलेंगे, श्योर करेंगे, आगे की सेटिंग्स मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको देख रहे होंगे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स का, तो आप यहाँ पर जाएंगे सेटिंग्स के अंदर, यहाँ पर मिलेगी आपको वो वाईफाई सेटिंग। अगर आपको घर में कोई वाईफाई लगा हुआ है उससे कनेक्ट करना, तो वो कैसे होगा? तो वाईफाई सेटिंग में जाओगे आप, यहाँ पर आपका वाईफाई जो है उसका नाम लिखा हुआ आ जाएगा, उसको सिलेक्ट करना है, उसका पासवर्ड डालना है। पासवर्ड आप ध्यान से डालिए, जो आपका पासवर्ड है वही डालिए, जो सही पासवर्ड है। करेक्टर सेंसिटिव होता है कि आपका कोई बड़ा करेक्टर है, या जैसे आपने वो पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड बिल्कुल करेक्ट डालना चाहिए। और पासवर्ड डालने के बाद आपको इसको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद कैमरे का नाम देना है, उसको सेव करना है। जब आप वाईफाई सेटिंग डाल के उसको सेव कर देंगे, उसके बाद आपसे 5 से 10 मिनट तक वेट करना है, ऐप बंद कर देनी है, अपना मोबाइल डेटा ऑन कर लेना है, और उसके बाद आपने आकर ऐप को 5 से 10 मिनट के बाद ओपन करना है, और आपका वो कैमरा आपको ऑनलाइन मिलेगा, जो आपके अब वाईफाई से कनेक्ट हो चुका है, होम वाईफाई से। और अब आपको अपना, आप कहीं भी होंगे तो उसको अपने मोबाइल डेटा पर देख सकते हैं। फ़ोन के अंदर आपके मोबाइल डेटा होगा, और जो घड़ी है वो आपका, जो घड़ी वाला कैमरा आपका लगा हुआ है, वो आपके घर में ऑफिस में जो वाईफाई लगा हुआ है वहाँ से इंटरनेट लेता रहेगा। और एक सेटिंग आपको और बता देते हैं इसके अंदर, जो इसके अंदर एसडी कार्ड की सेटिंग है। एसडी कार्ड आपको अगर डालने की ज़रूरत पड़ती है तो एसडी कार्ड आप इसके, इस घड़ी को आपको खोलना पड़ेगा, इसके अंदर स्लोर दी हुई है, ये घड़ी आपको ओपन करनी पड़ेगी। ओपन करने के बाद अंदर आपको एक चिप मिलेगी जिसके अंदर आप एसडी कार्ड डाल सकते हैं। एसडी कार्ड आप 16 GB, 32 GB, 64 GB, जो सा भी चाहें डाल सकते हैं। डालने के बाद आप उसको यहीं पर इसे ऑपरेट कर सकते हैं, फॉर्मेट करना चाहेंगे फॉर्मेट हो जाएगा। और एसडी कार्ड की जो रिकॉर्डिंग होगी, जो उसके अंदर एसडी कार्ड की रिकॉर्डिंग स्टोर हो रही है, वो आपको यहाँ से रीप्ले में मिलेंगी। रीप्ले में जाएंगे आप तो यहाँ पर आपको एसडी कार्ड की सारी रिकॉर्डिंग शो होगी, जो आपके मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डिंग स्टोर होती है। और इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि आपको कैमरा ऑपरेट करने में या किसी भी टाइम में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमें बॉक्स के अंदर, आपको जो डिवाइस का बॉक्स है उसके अंदर आपको हमारा कस्टमर केयर का नंबर मिलेगा, उस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम लोग आपको फर्दर हेल्प करेंगे। डिवाइस को आपने जब भी यूज़ करना है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल एकदम आपको इसको जहाँ भी लगाना है, यूज़ करना है, तो आराम से करना है। डिवाइस को अगर आप थोड़ा सा बीच में रेस्ट भी दें, इन द सेंस कि अगर आपने जैसे इसको 24 घंटे चला रहे हैं, तो घड़ी तो भाई 24 घंटे चल रही है वो तो ठीक है, बट कैमरा जो है वो भी 24 घंटे साथ में चल रहा है, तो बीच में अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए ऑफ भी कर दिया करेंगे तो कैमरा को भी थोड़ा रेस्ट मिलेगा, पीसीबी गर्म नहीं होगी, इसकी पीसीबी की लाइफ थोड़ी सी बनी रहेगी। तो इस तरीके से आप होम आई ऐप के ऊपर अपना वॉल क्लॉक को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।